तो हेलो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सभी के सभी। स्वागत है आपका आज के इस न्यू वीडियो में। और गाइस, आज के इस न्यू अनबॉक्सिंग वीडियो में मैं भाई साहब अनबॉक्स करने जा रहा हूँ अपना गेमिंग मॉनिटर, ठीक है। और भाई साहब, आप गेमिंग मॉनिटर देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, ठीक है। बहुत ज़्यादा स्लिम है एंड बहुत सारी मस्त मस्त फीचर्स है, ठीक है। तो बने रहिए इस वीडियो के एंड तक। और भाई साहब, आज हम लोग का होने वाला है सेटअप टूर, ठीक है। इसी वीडियो में मैं सेटअप टूर कर दूंगा, क्योंकि भाई साहब सही नहीं लगता यार मॉनिटर और भाई साहब सेटअप टूर दोनों एक साथ होगा। तो भाई साहब बने रहिए वीडियो के एंड तक सेटअप टूर अगर देखना है तो। तो गाइस, जैसे कि आप लोग यहाँ देख सकते हो, ये मैंने फ्लिपकार्ट से मंगवाया है, ठीक है। ऐसे वाई सीरीज का है, ठीक है। ऐसे 240Y है एंड इसकी खासियत ये है कि ये बहुत स्लिम है। ये 1080p है, ठीक है। AMD का फ्री सिंक है, जीरो फ्रेम लेस है भाई साहब, बेजल लेस, स्लिम IPS पैनल, फिर ब्लू लाइट फिल्टर है भाई साहब, और फ्लिकर लेस है। मतलब आप फोटो खींचोगे तो फ्लिकर होगा ही नहीं। फ्लिकर लेस मतलब कि बहुत सारी क्या बोलते हैं मॉनिटर फ्लिकर होती है, तो ये फ्लिकर होने नहीं वाला, ठीक है। और कभी भी फोटो खींचोगे कोई भी नॉर्मल मॉनिटर का, तो भाई साहब उसमें लाइन वाइन आ जाता है, इसमें नहीं आने वाला, मैंने खींच के देखा था, ठीक है। एंड गाइस, जैसा कि आप लोग जानते होंगे, ये गेमिंग मॉनिटर है, तो ये 75Hz के साथ आएगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है। मेरे पास एक और मॉनिटर था जो मेरा पहले वाला, वो भाई साहब 60Hz का था, सैमसंग का मॉनिटर, जो कि भाई साहब टूट चुका था, ठीक है। वो 60Hz का था एंड भाई साहब मेरे को पता है भाई साहब कितनी डिफरेंस है, भाई साहब 15 FPS की डिफरेंस है, लेकिन भाई बहुत होती है। 75Hz बहुत ज़्यादा ही स्मूथ मेरे को लगा, ठीक है। तो आपको अगर गेमिंग करनी है तो 75Hz इज़ मोर देन इनफ। उसके बाद गाइज, हम लोग बात कर लेते हैं ब्लू लाइट फिल्टर की। तो भाई साहब, ब्लू लाइट फिल्टर से आपकी अगर आँखों में दर्द हो रहा है तो आप उसे ऑन कर दो तो काफ़ी सही रहेगा, ठीक है। आँख में दर्द वर्द भी नहीं होगी। वैसे भी भाई साहब IPS पैनल है ये, ठीक है। एंड भाई साहब IPS पैनल आप जानते हो बहुत ज़्यादा अच्छी कलर रिप्रोडक्शन करता है एंड काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होता है। और भाई साहब 4 मिलीसेकंड का रिस्पॉन्स टाइम है, विच इज़ वेरी क्या बोलते हैं इनसेन, वो भी IPS पैनल में, ठीक है। IPS पैनल में ज़्यादातर क्या होता है, ज़्यादा मिलीसेकंड की रहती है भाई साहब आपकी क्या बोलते हैं रिस्पॉन्स टाइम। तो चलो गाइस, बिना किसी देरी के अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं। तो जैसे कि गाइस आप यहाँ से देख सकते हो, अपना डब्बा आ चुका है भाई साहब फ्लिपकार्ट से, और भाई साहब मैं यहाँ से अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ भाई साहब इसका, ठीक है। और भाई साहब अनबॉक्सिंग करने में काफ़ी ज़्यादा हालत ख़राब हो गई, क्योंकि लिटरली यार भाई 24 इंच का है, बड़ा होता है। नॉर्मली भाई मॉनिटर 20 इंचेस के होते हैं, ठीक है, 20 या फिर 18 इंच के होते हैं, ठीक है। मॉनिटर भाई 24 इंच थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो जाता है, ठीक है। नॉर्मली भाई साहब तुम लोग देखो यार 32 इंच की टीवी आती है, ठीक है, तो 24 इंच भाई साहब ज़्यादा, मतलब ठीक है, समझ जाओ यार। तो भाई साहब ये अंदर से यार निकालने में काफ़ी परेशानी हुई, बट यार मैंने जैसे तैसे करके निकाला, ठीक है। तो देख सकते हो भाई साहब, अभी हम लोग डब्बा वब्बा सब साइड में करेंगे, और भाई साहब असली माल तो अंदर है, ठीक है, असली माल यहाँ पर है। तो भाई साहब ये हम लोग का आ चुका है भाई साहब मॉनिटर का स्टैंड, जो कि काफ़ी बढ़िया क्वालिटी का है, ठीक है। एंड फिर ये पावर कॉर्ड है, ठीक है, पावर कनेक्टर है, जो कि मॉनिटर इतना पतला है भाई साहब क्यों तुम उसमें पावर कनेक्टर सीधा नहीं डाल सकते, इस पर कनेक्ट करके फिर तुमको पावर डालना पड़ेगा अपने मॉनिटर में। फिर ये भाई साहब ज्ञान की बात है, इसको फेंको यार यहाँ से साइड में ले चलो भाई। और भाई साहब ये है तुम्हारा HDMI केबल, भाई साहब HDMI केबल इनसेन क्वालिटी का है लिटरली, ठीक है। मैंने HDMI केबल ख़रीदा था भाई साहब बाहर से, वो उतनी अच्छी नहीं थी, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा बढ़िया है। उसके बाद आता है भाई साहब अपना VGA केबल, जो कि मैं यूज़ करने नहीं वाला भाई, जब HDMI केबल है तो ये VGA कौन यूज़ करने वाला है, सॉरी भाई ये VGA केबल है, वो कुछ और है, ठीक है, तो उसे देखना पड़ेगा भाई साहब वो क्या है। और भाई साहब ये है AUX केबल, ये होगा भाई साहब तुम्हारा मॉनिटर से कनेक्ट, एंड भाई साहब फिर जाएगा तुम्हारे क्या बोलते कहीं पर भी ले जाओ यार ऑडियो ट्रांसफ़र करने के लिए, ठीक है। और ये भाई साहब गर्दन है भाई साहब मॉनिटर का, ठीक है। तो भाई साहब इन सब को साइड करो, और भाई साहब रियल माल अंदर है, ठीक है। तो इन सब को भाई हम लोग साइड कर लेते हैं फटाक से। और भाई साहब सबसे पहले भाई हम लोग अनबॉक्सिंग कर लेते हैं यार, केबल की क्वालिटी तुम लोग को दिखा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से मैं खोल रहा हूँ भाई साहब ये, एंड यहाँ से देखो यार क्वालिटी देखना, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया क्वालिटी की है, देख लो यार HDMI केबल है ये, जो कि कनेक्ट होगा मतलब 4K तक की क्वालिटी यार आराम से झेल लेगा ये, ठीक है। HDMI केबल 1080p का आता है, बहुत सारी क्वालिटीज़ का आता है, ठीक है। फिर भाई साहब अपना ये पावर कॉर्ड, मैं तुमको बताता हूँ इसे कैसे कनेक्ट करना है। तो थोड़ा यहाँ से फोकस निकल चुका है, बट कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये देखो, ये जो आपको यहाँ से छेद दिख रहा है ना, इससे भाई साहब तुम्हें डालना है
वो पावर कॉर्ड में, अच्छा वो पावर कॉर्ड था ठीक है, तुमको वहाँ से कनेक्ट करना है। तो ये वाली गाइज हम लोग ओपन करते हैं, ये है अपनी पावर कॉर्ड। ओके तो मैं इसे भूल गया था गलती से, ये अपनी पावर कॉर्ड है, ये जाके कनेक्ट होगी भाई साहब तुम्हारे वो पावर वाले में ठीक है, जो लैपटॉप जैसा चार्जर दिख रहा है उस पर जाके कनेक्ट होगी। और भाई साहब उसके बाद जो पावर कॉर्ड है वो जाके मॉनिटर में कनेक्ट होगा। उसके बाद भाई साहब ये है अपना वीजीए केबल ठीक है, तो वीजीए केबल को भी फटाक से खोल लेते हैं भाई। वीजीए केबल तो अभी कुछ काम नहीं है भाई, डुअल सेटअप मॉनिटर होगा तो इसमें काम आ जाएगा, बट कोई बात नहीं, अब तुमको वीजीए लगाना है तो तुम लगा भी सकते हो। फिर उसके बाद भाई साहब ये देखो वीजीए की क्वालिटी देख लो तुमने यार, बहुत मस्त क्वालिटी है देख लो यार, मतलब अलग ही टाइप का वीजीए भाई साहब क्या ही बोले। तो यहाँ से मैंने इसको खोल लिया, तुम लोग देख सकते हो भाई साहब। तो भाई साहब ये देखो यहाँ से घुमा भी रहा हूँ यार मैं, और भाई साहब इसे साइड रखते हैं, और भाई साहब ऑक्स केबल पे आते हैं, जो कि यार पता नहीं क्या करना है इसका यार मेरे को, क्योंकि भाई साहब ये ऑडियो ट्रांसफ़र करने के लिए आता है, ये लाइव स्ट्रीम्स के लिए भी यूज़ होते हैं ठीक है, बहुत सारे काम के लिए ये सब यूज़ होते हैं, बट अभी मेरे को नहीं पता इसका क्या करना है ठीक है। तो मैंने इस भाई साहब खोल रहा हूँ, भाई साहब खुलता ही नहीं है भाई साहब ये सब ठीक है, तो खोल लेते हैं भाई साहब। और यहाँ से हम लोग भाई साहब अंदर से निकालते हैं भाई साहब माल, और ये देखो यार ये ऑक्स केबल है ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हो। तो भाई साहब ऑक्स केबल की तो काफ़ी ज़्यादा अनबॉक्सिंग हो चुकी है, चलो भाई साहब इसको साइड में रखते हैं, और भाई साहब मेन टॉपिक पे आते हैं भाई साहब गर्दन ठीक है। तो देख लो यहाँ गर्दन पड़ी हुई है ठीक है मॉनिटर की, तो इसे उठाते हैं भाई साहब और फटाक से यार खोलते हैं ठीक है। और ये गर्दन भाई साहब थोड़ी मेटल की बनी है, और आधी प्लास्टिक के, बीच के पोर्शन भाई साहब प्लास्टिक की बनी है, नीचे वाली मेटल की बनी है ठीक है। तो ये लोग आप देख सकते हो काफ़ी बढ़िया क्वालिटी की है ये गर्दन ठीक है, मॉनिटर की गर्दन है। और भाई साहब इसे साइड रखते हैं सब चीज़ को हम लोग ठीक है, और उसके बाद आते हैं भाई साहब स्टैंड पे ठीक है। तो स्टैंड काफ़ी बढ़िया क्वालिटी की है ठीक है, तो भाई साहब इसे भी अनबॉक्सिंग करते हैं हम लोग। तो भाई जैसे कि आप लोग यहाँ देख सकते हो ये हमारी आ चुकी है स्टैंड ठीक है, तो सारा सामान हम लोग ने साइड कर दिया, और भाई साहब ये इसे स्टैंड को खोलते हैं, स्टैंड नहीं सॉरी बेस है ये ठीक है, मैं गलत से बोल दिया ठीक है, माफ़ कर देना यार। तो ये हम लोग की है गर्दन, इसको स्टैंड भी आप बोल सकते हो ठीक है, दोनों को मिला के स्टैंड हो जाएगा। तो इसे फिट करते हैं, तो देखो भाई मैं गलती से उल्टा डाल दिया था इसको, इससे ऐसे डालते हैं ठीक है, तो ये डल जाएगा ना, देखो आपको यहाँ छेद दिख रहा होगा, इसे सीधा ऐसे डालना है, और भाई साहब नीचे से लॉक कर देना है, नीचे की हो गया आपको उसको घुमा देना है ठीक है। तो ये आपकी लग जाएगी स्टैंड, और ये स्टैंड की भी भाई साहब पूरी सेटअप हो जाएगी, उसके बाद तुमको मॉनिटर ला के यहाँ सीधा डाल देना है, हो जाएगा। तो भाई अनबॉक्सिंग तो हो चुकी है मॉनिटर की, चलिए भाई साहब अपने टूर पर चलते हैं सेटअप टूर पर ठीक है। उससे पहले भाई साहब मैं आपको मॉनिटर दिखा देता हूँ ठीक है, तो ये रहा भाई साहब मॉनिटर आपके सामने। तो जैसे कि गाइस तुम लोग यहाँ से देख सकते हो भाई साहब मैंने लाइट वाइट सब बंद कर दी है, और भाई साहब ये वीडियो 4K पे चल रहा है ठीक है। क्वालिटी देखो भाई साहब IPS पैनल की यही खासियत है भाई, इसकी क्वालिटी इतनी मस्त रहती है, और कलर रिप्रोडक्शन भाई साहब तुम IPS पैनल के अलावा कुछ खरीदोगे नहीं, एक बार IPS पैनल ले लिया ठीक है। और IPS पैनल बहुत ज़्यादा महंगा आता है TN पैनल और भाई साहब VA पैनल के कंपैरिजन में ठीक है। तो ये यहाँ से देख सकते हो काफ़ी बढ़िया क्वालिटी है, एंड भाई साहब ये 75 Hz का है, जो कि काफ़ी ज़्यादा स्मूथ गेमिंग करवा देता है ठीक है। एंड भाई साहब यहाँ से देख सकते हो क्वालिटी रिफ्रेश रेट सब बढ़िया है भाई साहब इसका ठीक है। तो भाई साहब चलते हैं अपने सेटअप टूर पे। तो जैसे कि आप लोग यहाँ देख सकते हो मॉनिटर उसकी जो फ्रेम है कितनी कम है भाई, देख सकते हो आप, मतलब फुल डिस्प्ले में आपको दिखा रही, उसी को भाई साहब फ्रेमलेस बोलते हैं या बेजल लेस। अभी यहाँ आते हैं भाई साहब, यहाँ मेरा एक्सेसरीज रखे हैं ठीक है काम के, ये आईफोन है भाई साहब, इसमें यार फोटो वोटो खींचता हूँ तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी की आती है ठीक है। और एंड भाई ये एंड्रॉयड फ़ोन है, ये काम के लिए रखा है, और भाई साहब ये टैब है भाई साहब, इस पर चैट पढ़ लेते हैं ठीक है हम लोग, तो ये चैट पढ़ने का काम आता है। उसके बाद भाई साहब आए तो यार ये यहाँ बोट की स्पीकर रखी है ठीक है, काफ़ी बढ़िया ऑडियो देती है, बहुत जोर ऑडियो देती है, इससे कभी कभार गाना सुन सकते हो, ब्लूटूथ लगा के भी सुन सकते हो, ऑक्स केबल लगा के भी सुन सकते हो। और बाकी वहाँ पर मेरा क्यूब भी पड़ा हुआ है भाई, कभी कभार खेल लेते हैं। अभी फ़िलहाल आते भाई साहब अपने मॉनिटर पे, भाई साहब देखो यार कितना पतला है ये, लिटरली बहुत पतला है यार ठीक है, तुम्हारे उंगली से भी पतला है ये, उंगली का आधा है ठीक है। तो फाइनली गाइज आ चुका अपना बीस्ट, अपना गेमिंग PC ठीक है। तो ये देख सकते हो अंदर से इतनी RGB है ठीक है, तो सफिशियंट RGB है मेरे लिए ठीक है। एंड पीछे भी तुम लगा सकते हो यार फैन, जो कि मैं लगाऊंगा इन फ्यूचर ठीक है। तो अभी तुमको दिखाता हूँ यार लाइट्स ऑन करके पूरी PC सेटअप ठीक है। तो जैसे कि गाइज अपने यहाँ से देख सकते हो भाई साहब ये अपना हेडफोन है, गेमिंग हेडफोन ठीक है, इसमें भी लाइट है ठीक है। और भाई साहब ये अपना आ चुका है गेमिंग पीस ठीक है, यहाँ पर भाई साहब फोकस ही नहीं हो रहा था यार, क्या ही बोले भाई ठीक है। तो ये लोग ऊपर, तुम ऊपर से देख सकते हो ठीक है।
और गाइज मैं आपको एक बात बताने ही भूल गया कि अपने मॉनिटर में स्पीकर भी है, इनबिल्ट स्पीकर, ठीक है। तो मतलब आप तो जैसे कि गाइज आप लोग यहाँ देख सकते हो, कैबिनेट का टॉप आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर पावर ऑन ऑफ बटन, रीस्टार्ट बटन, टाइप सी का पोर्ट है जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगा, और ये जो आप डंडा जैसा देख रहे हो भाई, ये अपना वाईफाई अडैप्टर है, ठीक है, जो कि काफ़ी ज़्यादा स्पीड नेट देता है, मतलब नेट स्पीड देता है 5 GHz का, ठीक है, अप टू 600 Mbps नेट स्पीड दे सकता है, ठीक है। तो इसे हटाते हैं और हॉट व्हील्स को भी हटाते हैं भाई और साइड करते हैं, ठीक है। और ये है भाई जाली, ठीक है, इसे एक्चुअली क्या बोलते हैं मेरे को याद नहीं आ रहा, ये भाई साहब प्रोटेक्ट करने के लिए होता है, डस्ट से प्रोटेक्ट करने के लिए होता है, ताकि तुम्हारा डस्ट अंदर घुस ना जाए। तो ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया और सारे गेमिंग कैबिनेट्स में आता है, जो जो गेमिंग कैबिनेट्स हो साइड से ट्रांसपेरेंट हो, ठीक है, और जो RGB हो उसी में आता है भाई। ये देखो भाई साहब, ये अपना क्यूब रखा हुआ है, ठीक है, इसे भाई मौज करने के लिए यार हम लोग यूज़ करते हैं। एंड भाई साहब ये अपना हेडफोन है, ब्रेडेड केबल है जो कि कपड़े के वायर है, ठीक है, समझ लो। और भाई साहब यहाँ देखो, ये मतलब अगर पीछे से कोई अगर आ जाए भाई, ठीक है, तो इसे भाई नीचे करो सीधा बंद हो जाएगा तुम्हारा माइक्रोफोन, ठीक है, और ऊपर करो तो सीधा मतलब खुल जाएगा आपका माइक्रोफोन। तो ये काफ़ी बढ़िया है। एंड भाई साहब जो वो स्क्रोलर है उससे तुम्हारा ऑडियो अप एंड डाउन होता है, ठीक है, वॉल्यूम अप एंड डाउन होता है हेडफोन का। तो इसकी अनबॉक्सिंग मैं पहले ही डाल चुका हूँ चैनल पर, मैं आपको लिंक पर दे दूँगा डिस्क्रिप्शन पर इस वीडियो पर, तो आप जाके इसकी भी देख सकते हो। और भाई साहब अपना राउटर का भी अनबॉक्सिंग का लिंक दे दूँगा, ठीक है, तो उसको भी जाके आप देख सकते हो। अभी ये भाई साहब अपना माउस पैड है, गेमिंग माउस पैड, ठीक है, तो ये भी भाई साहब काफ़ी बढ़िया, मतलब स्मूथनेस बहुत ज़्यादा होती है इसमें, ठीक है। और ये अपना नॉर्मल ऑप्टिकल माउस और नॉर्मल कीबोर्ड है, ठीक है, जिसमें यार गेमिंग कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो कैसा लगा भाई साहब तुम लोग को सेटअप, अच्छा लगा तो यार बताना है, ठीक है, कमेंट्स में। और भाई बताओ यार मैं कौन सी चीज़ पे वीडियो बनाऊँ, माइनक्राफ्ट पे और कौन सी टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ, तुम लोग यार बताना, ठीक है। और अच्छा लगा तो यार लाइक कर देना, कमेंट करना, और भाई साहब डिस्कॉर्ड अपना ज्वाइन कर लेना, और चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। हम लोग डेली रात को 8 बजे यार स्ट्रीम करते हैं अपने चैनल पे माइनक्राफ्ट की बेडवर्स की स्ट्रीम, ठीक है। तो तुम लोग को भी खेलना है तो भाई साहब अपने डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लेना और 8 बजे आ जाना, ठीक है, और स्ट्रीम पे भी आ जाना 8 बजे, और VC में भी आ जाना डिस्कॉर्ड के, ठीक है, 8 बजे। और भाई साहब मैं सबको रोल्स की भी गिव अवे देता हूँ, जो अच्छी खेलता है माइनक्राफ्ट तो उसको बेडवर्स प्रो का रोल देता हूँ, ठीक है। तो आना यार तुम लोग बेडवर्स में अच्छे हो गए जो भी ये वीडियो देख रहे हो। तो बस गाइज आज की इस वाली वीडियो में इतना ही, ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।